जागरूकता अभियान सम्मान के तहत सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया। इंदौर पुलिस महिला सम्मान को लेकर वृहद स्तर पर अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में सेंट्रल कोतवाली थाने सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर थाना प्रभारी बीडी त्रिपाठी द्वारा महिलाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए अभियोजन अधिकारी ने कहा कि समाज को महिलाओं के सम्मान को लेकर जागरूक करना बेहद ही जरूरी है। यदि महिलाओं के सम्मान की शुरुआत घर से होती है तो भविष्य में समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। थाना प्रभारी के अनुसार शासन के निर्देश पर चलाए गए जन जागरूकता अभियान सम्मान के चलते महिला अपराध में कमी देखी जा रही है। हाँ, एक्चुअल में सरकार ने इस चीज़ पर सरकार का ध्यान गया कि लगातार जो अपराध हो रहे थे उनको कैसे समाज से अपराधों को कम किया जाए, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया सरकार द्वारा कि समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़े। आप आजकल मोबाइल पर रिंगटोन भी सुन रहे होंगे, महिलाओं के सम्मान को लेके एक रिंगटोन शुरू हुई है और साथ में जगह जगह जो इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में एक बीज बोया जा रहा है कि जो भी महिलाएं हैं, चाहे वह छोटी हों बड़ी हों, घर से ही शुरुआत करें और समाज में महिलाओं का सम्मान लगातार करें। जब ये बीज एक समय में जब आप देखेंगे कि जब ये पौधा बनके तैयार होगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव समाज पर दिखाई देगा और जो भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में कमी आएगी। जब हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करने लगेगा, हर पुरुष महिलाओं का सम्मान करने लगेगा तो उसके मन में वो अपराध वाली प्रवृत्ति कम होगी और अवेयरनेस जागृत होगी सभी के मन में और कहीं ना कहीं अपराध कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है और जिसे हम और आप और सोसाइटी सारे लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे और अपराध को कम करेंगे। महिला का सम्मान की शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? महिला के सम्मान की शुरुआत एक्चुअल में घर से ही होना चाहिए। जब भी घर में बच्ची और बच्चा दो लोग जब होते हैं तो उनके मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए बेटे के मन में कि ये लड़की है और लड़की को पर्टिकुलर यही काम करना है। जब घर में माँ दोनों बच्चों को एक जैसा व्यवहार करेगी और एक जैसा सम्मान देगी तो बेटे के मन में भी कहीं ना कहीं बहन के लिए और अपनी माँ के लिए सम्मान जागृत होगा और वो आगे चलकर जो समाज का एक नागरिक बनेगा तो उसके मन में सभी महिलाओं के प्रति सम्मान जागृत होगा। तो घर से ही सम्मान की शुरुआत होना चाहिए। एक शुरुआत हुई है समाज में, धीरे धीरे जब वो जमीनी लेवल पर कार्यक्रम और ज़्यादा इन्हीं कार्यक्रमों को गति देने की ज़रूरत है और जब हम जमीनी लेवल पर जब ये कार्यक्रम करेंगे तो और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। जैसे आज ही TI साहब ने कहा कि एक स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, मैं भी मेरे दिमाग में आया कि हाँ ऐसा अपनी कॉलोनी में भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं सारे बच्चों को इकट्ठा करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बच्चों को कानून के बारे में जागृत करना भी आवश्यक है, सम्मान भी महिलाओं के प्रति बढ़ाना आवश्यक है। जब बच्चे ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो समाज में एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा और इसका सबका प्रभाव और बड़े पैमाने पर सभी को देखने को मिलेगा। अनीता शुक्ला, अभियोजन अधिकारी, SP ऑफिस अजाक, इंदौर रेंज। आज जो है महिला सम्मान का प्रोग्राम हमने अपने थाना क्षेत्र के महिलाओं के संदर्भ में रखा है, जिसमें जिसका उद्देश्य जो है महिला अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उस जागरूकता को लोगों तक फैलाना ताकि महिला अपराध में नियंत्रण हो सके, इसका मूल उद्देश्य ये है। इसमें हमारे DPO मैडम थी और ज्योति आर्य मैडम थी और हमारी रक्षा समिति की महिलाएं थी और जो सर क्या उनके कुछ पोस्टर वगैरह भी दिया गया आपने? जी, उसी महिला सम्मान और महिला
अपराध की जन जागरूकता से संबंधित पोस्टर्स वितरण किए गए हैं ताकि समाज में ये संदेश पहुंचे।